किसी भी तरीके से ईवीएम को रोकना। तो इस चुनाव में हम ईवीएम को ना सिर्फ एक्सपोज करेंगे बल्कि रोकेंगे भी, और ईवीएम के अंदर घुस के ईवीएम को हराएंगे, और पूरी दुनिया देखेगी ये 20% वोट भी जो एक्स्ट्रा लेते हैं ये लोग, वो इनके काम नहीं आएंगे। ये हमारे सिस्टम की भी कमी है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में ठूस दिया गया, मैं ठूसना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गैरकानूनी तौर से ठूसा। हेमंत सोरेन साहब को जेल में ठूस दिया गया, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स बैन कर दिए गए। नौकरों को नौकर की जगह और मालिकों को मालिकों की जगह पहुंचाने का भी हमारा मिशन है। हम लोग 20% को भी हराएंगे, ईवीएम को भी हराएंगे। रामपुर का तो मैं नौकर नंबर 1 बनने की अर्जी लेके आया हूं। नमस्कार, मैं नूर जौहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामपुर में, और हमारे साथ इस वक्त महमूद प्राचा जी मौजूद हैं। सर, क्या जरूरत पड़ गई आपको राजनीति में आने की? राजनीति में तो देखिए, मैं सबसे बड़ी राजनीति मैं ही कर रहा हूँ बहुत दिनों से, और जो अम्बेडकरवादी हैं वो सबसे, जो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं वो सबसे बड़ी राजनीति कर रहे हैं। और वो राजनीति है कि देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसकी उतनी उसकी हिस्सेदारी एक्चुअली जमीन पे कराना, एक बात। दूसरी बात ये कि संविधान को जो लोग जलाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, उसको उन लोगों को रोकना मजबूती के साथ। और तीसरी बात ये कि हम लोग नौकरों को नौकर की जगह, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मंत्री, MLA, MP, SSP, DM, सरकारी अधिकारी, ये सब जनता के नौकर हैं। नौकरों को नौकर की जगह और मालिकों को मालिकों की जगह पहुंचाने का भी हमारा मिशन है, उसी मिशन के तहत आए। लेकिन इन सब के से बड़ा इस वक्त जो ज़रूरत बन गई है देश की, वो है कि किसी भी तरीके से ईवीएम को रोकना। तो ईवीएम को किस प्रकार से रोकना है, ये बहुत सारे लोगों ने, हमारे ईवीएम के एक्टिविस्ट ने कहा कि पूरे देश में अगर चुनाव शुरू हो गए हैं अब तो ईवीएम की आवाज़ दब ना जाए। लेकिन सवाल वही खड़ा हो रहा है कि आप ईवीएम का विरोध करो और आप ही ईवीएम से चुनाव लड़ रहे हैं। ये देश में सबसे अच्छा व्यक्ति मुझे ही माना जाता है कि ईवीएम के अंदर घुस के भी, क्योंकि टेक्निकली, लीगली और प्रैक्टिकली किस तरीके से ईवीएम को टैकल करना है, डिफीट करना है, उसके लिए मुझे सबसे अच्छा व्यक्ति, सबसे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। अब आप लोग अपनी आंखों से देख ही लेंगे कि किस तरीके से इस चुनाव में हम ईवीएम को ना सिर्फ एक्सपोज करेंगे बल्कि रोकेंगे भी, और ईवीएम के अंदर घुस के ईवीएम को हराएंगे, और पूरी दुनिया देखेगी कि 20% वोट भी जो एक्स्ट्रा लेते हैं ये लोग, वो इनके काम नहीं आएंगे। हम लोग 20% को भी हराएंगे, ईवीएम को भी हराएंगे, और जो थोड़े बहुत इनके असली वोट पड़ते हैं उनको भी हटाएंगे। क्यों हराएंगे? क्योंकि हमारे साथ पूरा बहुजन समाज, पूरे देश के ईमानदार और संविधानवादी लोग सब हैं। आप लोग आने वाले टाइम में देख लेंगे क्या होने वाला। लेकिन जिस तरीके से खबर आ रही है कि सपा जो है चुनाव का बहिष्कार कर रही है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, अब बहिष्कार करने की बात तो ये है कि चुनाव का बहिष्कार जो उनकी पीड़ा है वो समझनी चाहिए, और वो सच्ची पीड़ा है। इसीलिए मुझे रामपुर की सीट में लड़ने के लिए कहा भी गया था। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये कि ये पीड़ा रामपुर के लोगों की है, ख़ास तौर पे यहाँ के बड़े बड़े लोगों की, जिसकी तरफ हम सब ने कम ध्यान दिया है। और वो ध्यान देने ही मैं आया हूँ कि पुलिस और प्रशासन ने लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने घरों से बाहर वो वोट देने नहीं निकल पाए जिसके लिए इलेक्शन कमीशन हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करता है जिस कैंपेन में, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। और यहाँ क्या हुआ था, तो ये भी एक वजह रही कि मुझे यहाँ भेजा गया है, सब लोगों ने मिल के भेजा है, कि ये चीज़ आप रोक भी सकते हो और इसको उल्टा भी कर सकते हो। जो पुलिस प्रशासन है उसमें कानून का डर पैदा कर सकते हो उसमें। और मैं ये ऐलान कर रहा हूँ यहाँ से, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जितने पुलिस अधिकारी हैं, एक बात बहुत अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छे से समझ लें, दो बार बता रहा हूँ। अब आज के बाद रामपुर में जो भी पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, हर्फ बा हर्फ, लेटर एंड स्पिरिट से, कानून और संविधान के हिसाब से काम करेंगे। मैं यहाँ पूरा इंतज़ाम करूँगा, किसी ने भी अगर इतनी सी भी कानून की रेखा को क्रॉस किया तो वो बख्शा नहीं जाएगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है देश में, जो कानून तोड़ता है वो अपराधी होता है, चाहे वर्दी में हो या वर्दी के बगैर हो। तो वो मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझ लें। आज से संविधान का राज होगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, जो तोड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो, चाहे वो वर्दीधारी व्यक्ति हो, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। ये मैं वादा कर रहा हूँ, और ये मेरी गारंटी है, और ये नकली गारंटी नहीं है, ध्यान रख लें सब। तो मतलब अगर आप जीतते हैं तो इससे दलित और मुसलमानों को काफी फायदा होने वाला है पूरे देश के, रामपुर के खास तौर पे। रामपुर का तो मैं नौकर नंबर 1 बनने की अर्जी लेके आया हूँ, तो पूरे रामपुर में और पूरे देश में।
सब संविधानवादी व्यक्तियों का, जो इंसान को इंसान के बराबर मानते हैं, उनका सबका एकदम भलाई नहीं, वो लोग सड़क पे छाती चौड़ी करके निकलेंगे और नौकर जो है ना उनको देख के सैल्यूट करेंगे, सारे नौकर वर्दीधारी, सारे नौकर मालिकों को सड़क पे देख के सैल्यूट करेंगे, ये इंश्योर करने आया हूँ। लेकिन जिस तरीके से रामपुर में कहा जाता है कि आजम खान को वोटर बैंक कहा जाता है, वोट बैंक कहा जाता है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनकी जो भी वजूहत हैं, आज उनके साथ क्या हो रहा है वो देखने का विषय ज़्यादा है, और ये कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम की भी कमी है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में ठूस दिया गया, मैं ठूसना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गैरकानूनी तौर से ठूसा, हेमंत सोरेन साहब को जेल में ठूस दिया गया, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स बैन कर दिए गए, समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, भूल जाइए बाकी सारी बातें, बाकी सब बातें भूल जाइए, समाजवादी पार्टी एक इतनी मजबूत पार्टी है हमारे देश की, सबसे बड़े प्रदेश की मेन ऑपोजिशन पार्टी है, उसके इतने बड़े नेता को इस तरीके से बेइज्जत करके जेल में ठूस रखा है। इन सभी सवालों का जवाब देने में आया हूँ और अच्छा जवाब दूंगा, जैसा जवाब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देते थे ना, कि ऐसा जवाब मिलता था कि दुश्मन जो है चारों खाने चित, तो वो करने में आया। एक आखिरी सवाल मिलना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो है 2014 के बाद जिस तरीके से जो बीजेपी ने कंगना को जो है वो है टिकट दे दिया है, और उसके बाद कंगना ने जिस तरीके से बयान दिया है कि 2014 के बाद जो है हमें असली आज़ादी मिली है, उस पर आप क्या जवाब? उनकी समझ की कमी है, मैं उन्हें नहीं बोल सकता, उन्हें थोड़ा और पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, समझना चाहिए कि वो देश का, देश के उन सभी शहीदों का, भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर आज़ाद साहब का, अशफाक उल्ला खान साहब का, टीपू सुल्तान का और लक्ष्मीबाई का, कितने कितने लोगों ने हमारे हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए, कितने कितने लोग जेलों में सड़ते रहे, सभी लोग ही थोड़ी माफ़ी मांग रहे थे अंग्रेज़ों से, बहुत कम मुट्ठी भर लोग अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग रहे थे, बाकी सब लोग तो अपनी जान हथेली पे ले जाके लड़ रहे थे, उन लोगों की मेहनत से अंग्रेज़ हमारे देश से डर के भागे, तो उनको थोड़ी इस बात की लिहाज करना चाहिए था। मुझे बड़ा अफसोस है कि वो ऐसी बात करती हैं, ये उन सभी शहीदों का, भारत का, भारत देश का, भारत की आज़ादी का, भारत का जो पूरा एक समाज है, उन सब समाज का ये बेइज्जती करती हैं कि जैसे अंग्रेज़ों को हमने डरा के नहीं भगाया, अंग्रेज़ हमें भीख में दे के आज़ादी गए, ऐसा नहीं था। मैं उनकी जानकारी करेक्ट करना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल गलत हैं और उनको शायद इसकी समझ नहीं है, और जिन लोगों के साथ वो रहती हैं उनको भी इसकी समझ नहीं है, तो वो जिन लोगों के साथ रहती हैं, वो जिस प्रकार के लोगों के साथ रहती हैं, जिनकी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगते रहते हैं, डिग्रियां फर्जी हैं, हर चीज़ फर्जी है, तो उनके साथ रहेंगी तो झूठी बातें ही सीखेंगी, यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से, ये थे हमारे साथ महमूद प्राचा जी, जो कह रहे हैं कि मैं रामपुर का नौकर नंबर 1 बन के रहूंगा, मतलब नौकर नंबर 1 मैं बन ही जाऊंगा अगर वो ये चुनाव जीतते हैं, और जो दलितों और मुसलमान है उसके लिए सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि उनके लिए, उस वर्ग के लिए वो सबसे ज्यादा काम करेंगे, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो है जो ईवीएम हटाओ जो मोर्चा है, अगर जीतने के बाद भी उनका ईवीएम हटाओ मोर्चा चालू रहेगा। अब देखना यह है कि रामपुर में क्या जो चुनावी माहौल है क्या रहता है, और महमूद प्राचा ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो नौकर नंबर 1 बनेंगे रामपुर के, तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।